26 मार्च यानी आज ही के दिन कुछ महिलाएं पेड़ों को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई थी, जिसे देखकर आपको लगेगा ये कोई रिचुअल कर रही है। लेकिन ये कोई पुरानी परंपरा नहीं थी, बल्कि आने वाले समय के लिए एक ऐसी क्रांति थी जिसके बाद में चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। आज ही के दिन शुरुआत हुई थी वो कहानी जिसने भारत में लोगों को समझाया कि तरक्की की अंधी दौड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जंगल हमारे लिए कितने जरूरी है और कैसे पेड़ पौधे ही अंत में मनुष्य के काम आएंगे। बात 1974 की है, जनवरी का महीना था। उत्तराखंड के रैणी गांव के वासियों को पता चला कि उनके इलाके से गुजरने वाली सड़क को बनाने के लिए 2451 पेड़ों को काटने के लिए चुना गया है। लेकिन वहां पेड़ों को अपना भाई बहन समझने वाले गाँव वासियों को जब इस बात की खबर हुई तो गांव में इस खबर से हड़कंप मच गया। चूंकि इस समय तो लोग बड़ी आसानी से जंगलों को काट काट कर वहां निर्माण का काम शुरू कर देते थे। ये कानून किसी और ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने बनाया था, जिसके कारण ही 1974 को जंगल काटने के लिए लोग आ गए थे। साल 1970 में अलकनंदा की प्रलयकारी बाढ़ का खौफ अभी उनके दिमाग से नहीं उतरा था। उनके लिए वो बाढ़ जैसे कल की बात हो। इस बाढ़ ने उत्तराखंड के जनजीवन और जंगल को जिस तरह तबाह किया था, उसके बाद ही पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत से प्रयास शुरू हो गए। इनमें चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, जिन्होंने लोगों को यह समझाया कि पेड़ भी हमारी ही जिम्मेदारी हैं। इसी कारण 23 मार्च 1974 के दिन रैणी गांव में पेड़ काटने की खबर सुनकर मची हड़कंप को लोगों ने विद्रोह से शांत करने के बारे में सोचा। पासी की एक जगह गोपेश्वर में गांव के लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में गौरा देवी महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। प्रशासन ने सड़क के बनने के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा देने की तारीख 26 मार्च तय की थी, जिसे लेने के लिए गांव वालों को चमोली जाना था। दरअसल ये वन विभाग की पहले से बनाई गई एक चाल थी। प्लान ये था कि 26 मार्च को चूंकि गांव के सभी मर्द मुआवजे की रकम लेने के लिए चमोली में रहेंगे, इसी दौरान ठेकेदारों से कहा जाएगा वो मजदूरों को लेकर चुपचाप रेणी गांव पहुंचे और कटाई शुरू कर दे। प्रशासनिक अधिकारियों की तेज बुद्धि का लोहा मानते हुए मुनाफाखोर ठेकेदार मजदूरों के साथ देवदार के जंगलों को काटने निकल पड़े। उनकी इस हलचल को एक लड़की ने देख लिया। उसे ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगा, इसी कारण उसने दौड़ कर ये खबर गौरा देवी को दे दी, जिसके बाद गौरा देवी फौरन हरकत में आई। उस समय गांव में मौजूद 21 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर गौरा देवी भी जंगल की ओर चल पड़ी। देखते ही देखते महिलाएं मजदूरों के झुंड के पास पहुंच गई। उस समय मजदूर अपने लिए खाना बना रहे थे। गौरा देवी ने उनसे कहा, भाइयों, यो जंगल हमारा मायका है, इससे हमें जड़ी बूटी, सब्जी फल और लकड़ी मिलती है। जंगल को काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारे घर बह जाएंगे, आप लोग खाना खा लो और फिर हमारे साथ चलो, जब हमारे मर्द लौट कर आएंगे तो फैसला होगा। ठेकेदार और उनके साथ चल रहे वन विभाग के लोग इस नई आफत से बौखला गए। उन्होंने महिलाओं को धमकाया, यहाँ तक कि गिरफ्तार करने की धमकी भी दी, लेकिन महिलाएं नहीं मानी। ठेकेदार ने बंदूक निकाल कर डराना चाहा तो गौरा देवी ने सामने आकर कहा, लो मारो गोली और काट लो हमारा मायका। इस पर सारे मजदूर सहम गए। गौरा देवी के इस साहस पर सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, इन पेड़ों के साथ हमें भी काट डालो। देखते ही देखते जंगल के सभी मार्ग पर महिलाएं तैनात हो गई। ठेकेदार के आदमियों ने गौरा देवी को हटाने की हर कोशिश की, यहां तक कि उन पर थूका भी गया, लेकिन गौरा देवी ने आपा नहीं खोया और पूरी ताकत के साथ विरोध जारी रखा। आखिरकार थक हार कर मजदूरों को लौटना पड़ा और इन महिलाओं का मायका यानी कि उनका जंगल बच गया। अगले दिन यह खबर चमोली हेडक्वार्टर तक जा पहुंची। पेड़ों से चिपकने का यह नायाब तरीका अखबारों की सुर्खियां बन गया, जिसके बाद इस आंदोलन ने सरकार के साथ साथ कई संस्थाओं का भी ध्यान खींचा। मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। जांच में पाया गया रेणी के जंगलों के साथ ही अलकनंदा में बाई ओर मिलने वाली समस्त नदियों, ऋषि गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, विरही और नंदाकिनी के जल ग्रहण क्षेत्रों और कुंवारी पर्वत के जंगलों की सुरक्षा पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत आवश्यक है। देश भर का हीरो बना दिया। पांचवी क्लास तक पढ़ी
गौरा देवी की पर्यावरण विज्ञान की समझ और उनकी सूझबूझ ने अपने सीने को बंदूक के आगे रख के अपनी जान पर खेल कर जो काम किया उसने उन्हें सिर्फ रैणी गांव का ही नहीं, उत्तराखंड का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का हीरो बना दिया। साथ ही साथ विदेशों में भी उन्हें चिपको वुमन फ्रॉम इंडिया कहा जाने लगा। चिपको आंदोलन एक आदिवासी औरत गौरा देवी के साहस और सूझबूझ की दास्तान है। 2011 में मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट वंदना शिव ने इंडिया टुडे मैगजीन से बात करते हुए कहती है, चिपको मूवमेंट ने ही हमें पर्यावरण विभाग और पर्यावरण मंत्रालय दिया। इसी आंदोलन के बाद पर्यावरण से जुड़े हुए नए कानून बनाए गए। भारत चीन युद्ध के बाद पर्वतीय सीमाओं तक सैनिकों की आवाजाही के लिए बनाई जाने वाली सड़क निर्माण से इस दौरान रक्षा के नाम पर पर्वतीय दुहन खुलेआम किया गया, लेकिन इलाके के जागरूक लोगों ने इस खतरे को भांपा और इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। चंडी प्रसाद भट्ट 1964 से इस काम में लगे हुए थे। इस आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया। बता दें, इस अधिनियम के तहत वन की रक्षा करना और पर्यावरण को जीवित करना था। कहा जाता है चिपको आंदोलन की वजह से साल 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था। इस कानून में हिमालयी क्षेत्रों के जंगलों को काटने पर 15 सालों का बैन लगा दिया गया। इसी कारण ही कहा जाता है चिपको आंदोलन न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में फैल गया था, और खास तौर से जितने जंगली इलाके थे उनमें लोग अपने जंगलों को लेकर काफी ज्यादा सजग होने लगे। इसी कारण से यह आंदोलन सिर्फ एक या दो साल का नहीं रहा बल्कि ये कई सालों तक चलता रहा, जिसके बाद ये लोग जुड़ते गए और इस आंदोलन को और आगे ले जाते रहे। इसी आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा नाम सुनने में आया था वो था सुंदर लाल बहुगुणा का, जिन्हें बाद में उनके इन चिपको आंदोलन के कारण ही पद्म विभूषण से, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, उससे नवाजा गया। आपको क्या लगता है कि भारत को आने वाले समय में भी ऐसे ही किसी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी अपने जंगलों को बचाने के लिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।